आखिर एक लकड़ी के टुकड़े के ऊपर बनाई गई पेंटिंग जो आज के दिनों में पूरी दुनिया में सबसे कीमती पेंटिंग माना जाता है, जिसका नाम है मोनालिसा। आज से तकरीबन 500 साल पहले इटली के एक जीनियस लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को बनाया था, जो आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। आखिर ऐसे क्या राज छिपे हैं इस पेंटिंग में जो इसे दुनिया का सबसे रहस्यमय और सबसे फेमस पेंटिंग बनाती है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। आप मोनालिसा के बारे में 23 ऐसी फैक्ट जानेंगे जो आपको हैरानी में डाल देंगे। नंबर 23, 23 जून 1892 में ल्यूक मस्पेरो नामक एक यंग फ्रेंच आर्टिस्ट ने पेरिस के एक होटल के चौथे मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। वो मोनालिसा के रहस्यमय मुस्कानों के लिए पागल था, उसकी खूबसूरती पर मोहित था। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था जिसमें उसने मोनालिसा के लिए अपना प्यार और सालों का इंतज़ार की बात की थी। नंबर 22, मोनालिसा के बारे में जो सबसे रहस्यमय बात है, जो बात आर्टिस्ट और हिस्टोरियन को ज़्यादा सोचने में मजबूर कर देती है, वो है रहस्यमय मुस्कान, जो अलग अलग एंगल पे हमेशा अलग अलग दिखता है। पहले ये तस्वीर मुस्कुराते हुए दिखाई देती है, फिर वो मुस्कुराहट फीकी पड़ जाती है और फिर गायब हो जाती है। एक रिसर्च से पता चला है जिस औरत को लियोनार्डो दा विंची ने बनाया है वो अपने अंदर बहुत राज छुपाई हुई है, इसलिए मोनालिसा की मुस्कान इतनी रहस्यमयी है। नंबर 21, कुछ सालों पहले एक डॉक्टर ने सबको एक बात कह के हैरानी में डाल दिया था कि मोनालिसा के मिस्टीरियस मुस्कान की राज है उसकी ऊपरी दांतों का टूटा होना, और यही वजह है उसकी ऊपरी होठ थोड़ा दबा हुआ है। सन 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरो साइंटिस्ट मार्गरेट ने बताया कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती है, बदलती है इंसानों का माइंडसेट, क्योंकि ये दिमाग का खेल है। जैसे आप मोनालिसा के चेहरे को देखना चाहोगे वैसे ही आपको दिखाई देगी। ये इस चीज़ पर डिपेंड करती है आप किस चीज़ पर फोकस कर रहे हो। नंबर 20, दा विंची ने मोनालिसा को 1503 में बनाना शुरू किया था और 1517 तक इस पे काम करते रहे। उनको सबसे ज़्यादा समय लगा मोनालिसा के होठ बनाने में। दा विंची ने उसके होठ बनाने में 12 साल लगा दिए थे। नंबर 19, ये बात सच है कि मोनालिसा पहले से ही बहुत खूबसूरत और मशहूर पेंटिंग माना जाता है, लेकिन इतनी मशहूर ये कभी नहीं थी जितनी कि ये तब हुई जब इसे पेरिस के लूवर म्यूजियम से चुरा लिया गया था। नंबर 18, दुनिया के सबसे मशहूर पेंटिंग को दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम से चुरा लिया जाना एक हैरान कर देनी बात थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात थी कि इसे चोरी के इल्ज़ाम में जिस आदमी को शक के घेरे में लिया गया था वो था हमारे ही और एक मशहूर पेंटर दी पाब्लो पिकासो। जी हाँ, शुरुआत में पाब्लो पिकासो पर इसे चोरी करने का इल्ज़ाम लगा। बाद में काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद उनके ऊपर से ये इल्ज़ाम हटा लिया गया। 1911 21 अगस्त के दिन इसे चुराया गया था, लेकिन उस दिन इस चोरी की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और इसे अगले दिन नोटिस किया गया था। लूहर म्यूजियम के इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक हफ्ते तक इसे बंद कर दिया गया था इस कन्फ्यूजन की वजह से कि पेंटिंग को शायद म्यूजियम के ही किसी और जगह पे रख दिया गया होगा। बाद में पता चला कि मोनालिसा लूहर म्यूजियम के ही एक वर्कर जिनका नाम है विंसेंजो पुरुगिया ने चुराया था। म्यूजियम बंद होने के बाद वो पेंटिंग को कोट में छिपाकर फरार हो गया। नंबर 16, विंसेंजो इटली का एक देशभक्त नागरिक था। उसका ये भरोसा था कि लियोनार्डो की ये पेंटिंग उनके ही देश में रखा जाना चाहिए और उन्हें इटली के ही म्यूजियम में दिखाया जाना चाहिए। विंसेंजो को तब पकड़ा गया था जब 2 साल बाद वो पेंटिंग को लेकर इटली के फ्लोरेंस शहर के 8 म्यूजियम के डायरेक्टर के पास बेचने जा रहे थे। 2 हफ्तों तक मोनालिसा को उसी म्यूजियम में रखा गया था। उसके बाद 4 जनवरी 2014 को वापस पेंटिंग को पेरिस के लूवर म्यूजियम में ले जाया गया था। विंसेंजो को उसके काम के वजह से 6 महीने के लिए जेल हुआ, पर उसकी देशभक्ति की वजह से इटली में उन्हें स्वागत किया गया।
नंबर 15, मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी मौजूद है जो बिल्कुल लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा जैसी दिखती है। कहा जाता है कि दूसरी पेंटिंग को दी विंची के टाइम उनके ही एक स्टूडेंट फ्रांसिस्को मेल्जी ने बनाया था। ये दूसरी पेंटिंग स्पेन की राजधानी मैड्रिड के पैराडो म्यूजियम में रखी गई है। नंबर 14, आज तक ये बात रहस्य है कि मोनालिसा कौन थी, ये कौन औरत थी। ज़्यादातर स्कूलर का ये मानना है कि पेंटिंग में जो औरत है वो लिसा घेरार्दिनी है, जो फ्लोरेंस की एक इटालियन औरत थी। लेकिन एक थ्योरी ये भी कहती है कि मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की खुद की तस्वीर है, मतलब इस पेंटिंग में वो खुद को एक औरत के रूप में दर्शाया था। नंबर 13, इस खूबसूरत पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने की बहुत सी कोशिशें हो चुकी थी। 1996 में एक बॉलीवियन टूरिस्ट ने मोनालिसा के ऊपर एक पत्थर फेंका था, जिसकी वजह से मोनालिसा की बाई हाथ की कोनी के पास एक छोटा सा निशान आ गया था। बाद में इसे रिस्टोर कर दिया गया था, लेकिन निशान अभी भी हल्का दिखता है। इसके पहले एक व्यक्ति ने इस पेंटिंग पर एसिड फेंका था। इसके बाद मोनालिसा की सिक्योरिटी को देखते हुए इसे बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रखा गया। इसके बाद भी एक लेडी ने इसके ऊपर रेड पेंट से स्प्रे करने की कोशिश की। 2009 में एक रशियन लेडी ने इसके तरफ सिरामिक दीकप फेंका, पर पेंटिंग केज में सुरक्षित रहा। नंबर 12, लियोनार्डो एक राइटर भी थे, लेकिन हैरान कर देनी बात ये थी कि लियोनार्डो उनकी सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा के बारे में कभी कहीं पे कुछ नहीं लिखा। नंबर 11, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मोनालिसा को 6 बार अपनी जगह से बदला गया ताकि ये पेंटिंग जर्मन नाजियों के हाथों ना चली जाए। नंबर 10, लियोनार्डो दी विंची की एक स्टूडेंट ने 1514 से 1516 के बीच मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसे मोना वेना कहा जाता है। इसकी हाथ और बोटी की पोजीशन बिल्कुल लियोनार्डो की मोनालिसा जैसी है। कहा जाता है कि शायद इसे भी लियोनार्डो ने ही बनाया होगा। ये पेंटिंग पेरिस के कोंडे म्यूजियम में रखी है। नंबर 9, लियोनार्डो ने मोनालिसा को पेंटिंग करने में 30 से भी ज़्यादा लेयर का इस्तेमाल किया था, और उसमें कुछ लेयर तो इंसानी बाल से भी बारीक थी। नंबर 8, मोनालिसा दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल पेंटिंग में से एक माना जाता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार मोनालिसा हिस्ट्री की हाईएस्ट वैल्यूएशन वाली पेंटिंग है, और 2023 में इसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन के आसपास है। लेकिन फ्रेंच हेरिटेज लॉ के अकॉर्डिंग इसे खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि ये पब्लिक के लिए है। नंबर 7, 1519 में लियोनार्डो दी विंची के मृत्यु के बाद मोनालिसा फ्रेंच के राजाओं के प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा बन गई। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद पेंटिंग को पेरिस के लुहर म्यूजियम में रख दिया गया। ये पेंटिंग नेपोलियन को इतनी पसंद आई थी कि कुछ समय के लिए वो मोनालिसा को अपने बेडरूम में लगवा दिया था। नंबर 6, ये पेंटिंग आपको जितनी बड़ी लगती है उतनी बड़ी ये है नहीं। इसका साइज 13x21 inches है और इसका वजन 8 किलोग्राम है। दा विंची ने इसे पेपर और कैनवस में ना बना के बल्कि पॉपुलर की लकड़ी के ऊपर ऑयल पेंट से बनाया। इतनी बारीकी से उन्होंने पेंटिंग को बनाया था कि इसके अंदर ब्रश का निशान देखना भी मुश्किल है। उस वक्त पेपर और कैनवस दोनों ही मौजूद थे, पर उस वक्त के पेंटर का ये सोचना था कि छोटी पेंटिंग के लिए लकड़ी का यूज करना ही सही रहेगा। नंबर 5, जब आप मोनालिसा को देखोगे तब आपको नजर आएगा कि मोनालिसा की आईब्रोज और आईलैशेश नहीं है। अब सवाल उठता है ये कि लियोनार्डो ने मोनालिसा की आईब्रो और आईलैशेश
क्यों नहीं बना? वेल, 2017 में एक फ्रेंच इन्वेंटर पास्कल कोट ने हाई रेजोल्यूशन स्कैन के द्वारा ये बताया था कि लियोनार्डो द विंची ने मोनालिसा की आईब्रो और आईलैशेस दोनों ही बनाई थी, पर समय के साथ ये फीकी होती गई। शायद ओवर क्लीनिंग की वजह से भी ये गायब होती गई। नंबर 4, पैरानॉर्मल क्रूबकिबल नामक एक वेबसाइट ने यह दावा किया था कि मोनालिसा की पेंटिंग के अंदर एक एलियन छिपा हुआ है। उसमें कहा गया था कि पेंटिंग को लेफ्ट साइड से मिरर के साथ जोड़कर देखा जाए तो एलियन जैसी एक आकृति बनती है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है जब और एक थ्योरी सामने आती है, जिसमें ये कहा गया था कि दी विंची ने इस पेंटिंग के लेफ्ट साइड में बहुत ही सीक्रेट तरीके से एक मैसेज छिपाया है। थ्योरी में बताया गया है कि पेंटिंग में इटालियन भाषा में लिखा गया है ला रिस्पोस्ता सी त्रोवा की, इसका हिंदी मीनिंग है द आंसर इज हियर, यानी कि हिंदी में उत्तर यहाँ है। हालांकि ये थ्योरी कितनी सच्ची है इसकी पुष्टि नहीं की गई थी, ना ही कि मैं ये सच होने का दावा करती हूं। थर्ड, नंबर 3, मोनालिसा के फैन दुनिया भर में हैं। इसके ऊपर बहुत से सॉन्ग्स पोएम बन चुके हैं। जब से इसे पेरिस के लूहर म्यूजियम में रखा गया है तब से लेकर आज तक बहुत से लव लेटर मिलते हैं उसे, और चाहने वालों की तरफ से फ्लावर्स भी मिलते हैं। नंबर 2, मोनालिसा को इंग्लिश में मोनालिसा लिखा जाता है, लेकिन इसकी सही स्पेलिंग ये है। कोई इसे मोनालिसा कहता है और कोई इसे मोनालिसा भी कहता है, पर इटालियन में इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है मोनालिसा, जिसका मीनिंग है माय लेडी। नंबर 1, दोस्तों, अगर आप पेरिस के लूहर म्यूजियम में जाते हो तो मोनालिसा के रूम पे जाने के बाद जहाँ पे मोनालिसा रखी हुई है उसकी बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन पर आपको एक बहुत बड़ी पेंटिंग मिलेगी जो कि मोनालिसा से कई गुना बड़ी है। इसका नाम है द वेडिंग फिस्ट एट कैना। इसे इटली के ही एक पेंटर पाब्लो वेरोनेसे ने बनाया था। दोस्तों, ये पेंटिंग इतनी खूबसूरत है कि इसकी तारीफ के लिए शब्द भी कम पड़ जाए, लेकिन ये पेंटिंग ज्यादा फेमस नहीं है, इसी वजह से लोगों को इसको देखने पे ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है। यही वजह है कि मोनालिसा के सामने आपको बहुत भीड़ तो नजर आएगी, लेकिन इस पेंटिंग को देखने के लिए बहुत कम लोग खड़े मिलेंगे। दोस्तों, अगर हम सच्चे आर्ट लवर हैं तो हमारे पास आर्ट को देखने के लिए वो नज़र भी होना चाहिए जो एक आर्टिस्ट की कला को परख सके। जस्ट किसी एक ही चीज़ को महत्व देना इसीलिए कि वो फेमस है या फेमस कलाकार ने बनाया है और दूसरे के काम को सिर्फ इसीलिए भूल जाना कि वो एक साधारण व्यक्ति ने बनाया है, ये तो ज़रा सा गलत है। देखो, मैं ये दावा नहीं कर रही हूँ कि मोनालिसा एक बेहतरीन, खूबसूरत और फेमस पेंटिंग नहीं है, पर बहुत अच्छी अच्छी बेहतरीन पेंटिंग भी दुनिया में मौजूद है। बेशक मोनालिसा दुनिया की सबसे खूबसूरत आर्ट वर्क में से एक है, पर उसके साथ साथ हमें दूसरे के काम को भी सराहना चाहिए, उन्हें महत्व देना चाहिए। हो सकता है दूसरे आर्टिस्ट ने भी बहुत मेहनत किए हैं उनके कलाकृति के ऊपर और हम उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं आखिर में ये बात बताना चाहती हूँ कि आप ये बात समझ पाए, पेरिस का ये लूवर म्यूजियम दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। यहाँ पे 35,000 हिस्टोरियन ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ मोनालिसा को देखने ही आते हैं और उसके सामने सेल्फी लेकर फोटो खींच के चले जाते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। कमेंट करके इस वीडियो के बारे में अपनी राय बताना।